हेलो चिल्ड्रन, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक सेंटर ऑफ मास पढ़ने जा रहे हैं। और बच्चों, आपको पता है कि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो होता है, जब मोशन में होता है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी मोशन में होता है या रेस्ट में होता है, वो सब इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको सेंटर ऑफ मास के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि अगर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल मोशन में है तो एक स्पेशल टर्म के बारे में हम पढ़ेंगे, सेंटर ऑफ मास। ये सेंटर ऑफ मास एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। बच्चों, मान लो मैंने एक बॉडी ले ली, सपोज़ ये मेरे पास बॉडी है, इसमें मासेज हैं m1, m2, m3, और ये ग्राउंड से h1 हाइट पर, h2 हाइट पर और h3 हाइट पर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया बच्चों, जगह H1, H2, H3 हाइट पर हैं तो इनकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी इस बॉडी की, वो U टोटल होगी, होगी m1g h1 प्लस m2g h2 प्लस m3g h3। अगर मैं इसी बॉडी को, इसी इक्वेशन को m1 प्लस m2 प्लस m3 से डिवाइड कर दूं और m1 प्लस m2 प्लस m3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, अभी भी ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। मैंने देखा कि u टोटल की वैल्यू जो आएगी वो आएगी m1 h1 प्लस m2 h2 प्लस m3 h3, बाहर आ जाएगा इसके अंदर g, और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3, यहाँ हो जाएगा m1 प्लस का m2 प्लस का m3। अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, रीअरेंज कर दूँ अगर मैं, तो आएगा m1 प्लस m2 प्लस का m3 इंटू जी इंटू हाइट mgh। लेकिन यहाँ पर अगर एक पार्टिकल है जिसका मास m है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, लेकिन जब एक से ज़्यादा पार्टिकल्स होते हैं तो वो ही बहुत सारे पार्टिकल होने पर जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो mgh ना होके hcm बन जाती है। hcm मतलब सेंटर ऑफ मास। यानी कि अब हमने मान लिया कि m जो पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स जो हैं, यहाँ तो m1 m2 m3 हैं, तो इनका कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास होगा जो इन पॉइंटों से हटकर कहीं ना कहीं होगा। मैंने मान लिया इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ आ गया, यहाँ पर हमने मान लिया ये सारे मासेस का टोटल सेंटर ऑफ मास, यानी कि सारे मासेस यहाँ पर प्लेस हैं, ये देखिए, और इसको बोलेंगे हम हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। इसे क्या करेंगे, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ मास डिफाइन करना चाहूँ तो बोल सकता हूँ HCM इज इक्वल टू m1 h1 प्लस का m2 h2 प्लस का m3 h3 अपॉन m1 प्लस का m2 प्लस का m3, ठीक है। तो ये कहलाता है सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास का निकल के आ गया। अगर किसी बॉडी में एक ही पार्टिकल है तो हाइट h लेंगे, और अगर एक किसी बॉडी में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, n पार्टिकल्स हैं, 3 पार्टिकल्स हैं, 4 पार्टिकल्स हैं, तब हाइट ऑफ सेंटर ऑफ मास लिया जाता है। तो ये हमारा बच्चों एक जनरल फॉर्मूला निकल कर आया है, इससे हम बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अभी आप देखते जाएं, मैं इसको रब करने जा रहा हूं, और जिसे इसे कॉपी करना है वो कॉपी कर लेगा। अब देखें बच्चों, यानी कि अगर हमारा एक नया फॉर्मूला बनकर आया सेंटर ऑफ मास का, HCM ऑफ m1 h1 प्लस का m2 h2 प्लस का m3 h3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस का m3, ये हमारा एक सेंटर ऑफ मास का जनरल फॉर्मूला बनाकर दिया है, जो मैंने अभी आपको दिखाया ये किस तरह से आया है। इससे बहुत सारे फॉर्मूले बन के आ सकते हैं। और एक चीज़ और बच्चों, इस फॉर्मूले से पहले हम और थोड़ा सा बेटर फॉर्म इसकी समझते हैं, ये क्या है। सपोज़ यहाँ पर मैंने बोला कि ये टोटल मास ऑफ द बॉडी है, और ये m1 उस पार्टिकल का मास है जो h1 हाइट पर है, m2 जो मास है वो h2 हाइट पर है उस बॉडी के अंदर, और m3 जो है वो h3 हाइट पर है, तो इसको बोला गया HCM। अगर मैं इसे वेक्टर से समझूं तो वेक्टर से भी आप समझ सकते हैं इसको। सपोज़ ये देखें, आप ध्यान से देखेंगे आप लोग,
क्योंकि न्यूमेरिकल करने के लिए पहले आपको बहुत अच्छे से बेसिक आना चाहिए, रटने से कुछ नहीं होता है और ये टफ चैप्टर है, इसलिए बच्चों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, देखते जाएं मेरे वीडियो को। देखिए मैंने मान लिया ये सपोज करो आर वन वेक्टर है, ये ओरिजिन है, ये आर टू वेक्टर है, और मैंने मान लिया इन दोनों के बीच में सेंटर मास यहाँ पर सी मान लिया सेंटर मास है, और ये मैंने मान लिया आर सेंटर मास इसका वेक्टर मान लिया ओरिजिन से। सपोज करो ये डायरेक्शन ये हो गई इसकी, ये डायरेक्शन ऐसे हो गई, ये मैंने मान लिया आर वन डैश है और ये मैंने मान लिया आर टू डैश है। अब देखिए आप ज़रा ध्यान से देखें, मैं ये बोल सकता हूँ कि सेंटर मास निकालने के लिए अगर मैं इसका सेंटर मास निकालूँ, आर सी एम निकालूँ, देखिए आप इसको रब कर देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ आर सी एम निकालूँ, तो क्या होगा, इस फॉर्मूले से लगाता हूँ एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू अपॉन एम वन प्लस का एम टू, ठीक है, एम वन ये मास है, एम टू ये मास है, एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, लाइक दिस, यही जनरल फार्मूला है, इसी को मैंने यहाँ अप्लाई किया है वेक्टर फॉर्म में। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अब देखें थोड़ा सा और देखें, आर सी एम इज इक्वल टू एम वन, अब आर वन देखिए आप, आर वन ये है ना, तो पहला वेक्टर मेरा ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया, तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, तो ओ ए यानी कि आर सी एम प्लस आर वन डैश इज इक्वल टू आर वन। क्या मैं इसे थोड़ा चेंज कर दूं, इस वाले आर वन को लिख सकता हूं बच्चों आर सी एम प्लस आर वन डैश प्लस एम टू आर टू, कितना हो जाएगा बच्चों, आर टू ये है, आर सी एम प्लस आर टू डैश डिवाइडेड बाई एम वन प्लस का एम टू, ठीक है। अगर मैं इसको रब कर देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे मैंने रब कर दिया, अब देखें आप क्या होगा आगे, अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ बच्चों, अगर मैं इसकी दोनों तरफ क्या कर दूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, तो आएगा आर सी एम इंटू एम वन प्लस का एम टू इज इक्वल टू एम वन आर आर सी एम प्लस एम वन आर वन डैश प्लस एम टू आर सी एम प्लस एम टू आर टू वेक्टर डैश। यहाँ पर एम वन आर सी एम प्लस का एम टू आर सी एम इज इक्वल टू एम वन आर सी एम प्लस का एम वन आर वन डैश प्लस का एम टू आर सी एम प्लस एम टू आर टू डैश। एम वन आर सी एम से एम वन आर सी एम गया, एम टू आर सी एम से एम टू आर सी एम गया, इधर बचा मेरा ज़ीरो और इधर बचा मेरा एम वन आर वन डैश प्लस एम टू आर टू डैश, एम वन आर वन डैश प्लस एम टू आर टू डैश। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ, मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकता हूँ, देखें बच्चों इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, मैं बोल सकता हूँ बल्कि यहाँ कर देता हूँ, ये हो जाएगा एम वन आर वन डैश इज इक्वल टू माइनस का एम टू आर टू डैश। इससे हो सकता है कि आर वन वेक्टर डैश इज इक्वल टू जाएगा माइनस का एम टू अपॉन एम वन इंटू आर टू डैश। ये देखिए आप, ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है, कि इससे ये पता चलता है कि सेंटर मास से एक बॉडी लेफ्ट को है और एक बॉडी राइट को है, लेफ्ट वाली बॉडी को नेगेटिव होगी, उसकी डायमेंशन नेगेटिव होगी और दूसरे की पॉजिटिव होगी, यानी कि सेंटर मास किसी बॉडी का निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो मास पार्टिकल हैं वो सेंटर मास के दोनों साइड में होने चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सेंटर मास के एक ही साइड में पार्टिकल हों, यानी कि सेंटर मास सपोज ये मेरे पास बॉडी है तो अगर ये दो पार्टिकल हैं तो यहाँ सेंटर मास नहीं हो सकता इसका, इनके बीच में कहीं ना कहीं सेंटर मास होगा। तो देखें आप यहाँ पर सेंटर मास बीच में शो करता है, इससे पता चलता है कि आर वन डैश अपॉन आर टू डैश इज इक्वल टू जाएगा माइनस का एम टू अपॉन एम वन। इससे ये पता चला कि जो डिस्टेंसेज हैं ये सेंटर मास से डिस्टेंसेज
वो हमेशा पार्टिकल के मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों, मैं आगे डिस्कस करूँगा। ये जो होती हैं, जो मास है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, यानी कि अगर मास ज़्यादा होगा, अगर इस बॉडी का है मास ज़्यादा है तो इसका सेंटर मास इधर को शिफ्ट कर जाएगा, अगर इधर बॉडी का मास ज़्यादा है तो इधर शिफ्ट कर जाएगा। बच्चों अभी मैं क्वेश्चन से और ज़्यादा समझाऊंगा, अभी पहले इसको आप कॉपी करें और देखें। चलो चिल्ड्रन, मैंने अभी आपको बेसिक के बारे में बताया था, सेंटर मास। इसीलिए अगर ध्यान से सुने, अगर कोई पार्टिकल अकेला चल रहा है, सिंगल पार्टिकल है, तो उसकी वेलोसिटी वी होती है, लेकिन अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी वी ना होके वी सी एम होगी। पहले थोड़ा सा और समझेंगे इस, चलिए पहले फार्मूला समझ लेते हैं बच्चों। वी सी एम होगी, और इसी सिमिलरली अगर मैं एक्सेलरेशन बात करूं तो वी सी एम का फार्मूला होगा एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू एंड सो ऑन अपॉन एम वन प्लस का एम टू प्लस एंड सो ऑन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई वी आई अपॉन समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू वन टू एन एम आई, ठीक है। सिमिलरली ए सी एम सेंटर ऑफ मास भी हो सकता है, क्योंकि हमें इस तरह के सबके प्रॉब्लम्स करनी है, वेलोसिटी भी आएगी, पोजीशन भी आएगी, एक्सेलरेशन भी आएगा। तो सबको बताने के लिए मैं आपको कुछ फॉर्मूले डेवलप कर रहा हूँ, एम वन ए वन प्लस का एम टू ए टू एम टू ए टू प्लस एंड सो ऑन अपॉन एम वन प्लस का एम टू प्लस एंड सो ऑन। इसका मतलब हो सकता है समेशन ऑफ आई इज इक्वल वन टू एन एम आई वी आई सॉरी ए आई अपॉन समेशन ऑफ आई इज इक्वल वन टू एन एम आई, ठीक है बच्चों। ये ए सी एम आ गया, ठीक है बच्चों। इसी तरह हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल दिए मैंने, वेलोसिटी निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, और इसी तरह डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं, और किसी पोजीशन वेक्टर के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि अगर सिंगल बॉडी की सिंगल बॉडी है, यानी जिसमें मास केवल सिंगल पार्टिकल का है, तब तो वेलोसिटी आएगी, लेकिन अगर एक से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं तो हम वेलोसिटी टू सेंटर मास बोलेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, है क्या ये जो सेंटर मास पढ़ रहे हैं, है क्या एक्चुअल में, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे एग्जाम्पल से। देखिए बच्चों ध्यान से सुने आप, मैंने एक एग्जाम्पल दिया, सपोज़ मैंने बोला कि मेरे पास एक रॉड है, सपोज़ मेरे पास एक रॉड है, रॉड। अब मैं चाहता हूँ कि इसको सेंटर से, यहाँ से इसको मैंने प्लेस कर दिया सेंटर पर, तो ये बॉडी बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि यूनिफॉर्म मास की रॉड है तो ये बैलेंस हो जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि इस बॉडी के मासेस तो सब जगह हैं, लेकिन मैंने मान लिया कि चूंकि मैं यहाँ से इसे उठा पा रहा हूँ, यहाँ से बैलेंस कर पा रहा हूँ, तो मैं इस पॉइंट को सेंटर ऑफ मास मान लूँगा, सेंटर ऑफ मास। सिमिलरली देखें अब आप, सपोज मेरे पास एक प्लेट है ये, और मैं इसे उठाना चाहूँ तो मैं कुछ ऐसे उठा सकता हूँ, ऐसे यहाँ से थ्रेड बांध लिया मैंने सपोज करो, और ये उठाऊंगा तो ये ऊपर को उठ जाएगी, लिफ्ट हो जाएगी, है ना। इसी तरह से अगर मान लो मैं इसी प्लेट में सेंटर पर थ्रेड बांध दूँ, तब भी तो उठ जाएगी, लिफ्ट हो सकती है नहीं हो सकती बताइए, क्योंकि यूनिफॉर्म मास की है। या तो ऐसे उठा लूँ या ऐसे उठा लूँ, इसका मतलब ये है कि अगर ये बॉडी ऐसे उठ सकती है तो बॉडी यहाँ से भी उठ सकती है। इसका मतलब पूरी बॉडी में अगर बहुत सारे मास पार्टिकल हैं तो मैं यहाँ पर फील करूँगा, नहीं भाई टोटल मास यहाँ पर है, क्योंकि मुझे तो फील यहाँ पर मास हो रहा है, हालांकि ऐसा है तो नहीं, मास तो अलग अलग है। तो हमने इसको मान लिया कि यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटर मास को डिफाइन कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल तरीका हो गया कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर हम किसी बॉडी का टोटल मास एज्यूम कर लेते हैं कि वहाँ पर उसका टोटल मास है। ये रियल भी हो सकता है और ये इमेजिनरी भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट एट विच वी एज्यूम दैट द टोटल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड, और ये रियल भी हो सकता है। रियल का मतलब क्या हुआ, सपोज मैं बोलूँ, अगर मैं बोलूँ बच्चों कि सपोज मैंने एक सॉलिड बॉडी ले ली, तो मैं इसको यहाँ से सेंटर से उठा सकता हूँ, लिफ्ट कर सकता हूँ, लेकिन
अगर मान लो सोचो ये रिंग होता, रिंग, तो इसको उठाने के लिए तरीके कई हैं कि मैं इसको ऐसे उठा लूँ, यहाँ से थ्रेड बांध कर इसे उठा लूँ, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे करके उठा सकता हूँ, या यहाँ से भी उठा सकता हूँ यहाँ से। लेकिन ये एक्चुअल में तो यहाँ पर मास है नहीं, लेकिन हम मान सकते हैं कि जब यहाँ से इसका सेंटर मास यहाँ से उठ सकता है, तो इसके सेंटर पे भी एक ऐसी पोजीशन हो सकती है जिससे ये बॉडी उठ जाए, यानी कि इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी, जबकि सेंटर मास यहाँ हो नहीं सकता। तो यहाँ पर तो रियल सेंटर मास होगा और यहाँ इमेजिनरी सेंटर मास होगा, ठीक है। तो सेंटर मास आपको समझ में आया होगा कि हम एक ऐसा पॉइंट किसी बॉडी के अंदर या बाहर मान लेते हैं जहाँ पर हम ये मानते हैं कि टोटल मास ऑफ द बॉडी जो है कंसंट्रेट है उस पॉइंट पर, जबकि ऐसा होता नहीं है। हम अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इसको कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हैं। तो देखें बच्चों, अब मैं कुछ न्यूमेरिकल के बारे में बात करता हूँ आपसे, ठीक है बच्चों। देखें आप ज़रा, सबसे पहले न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो देखिए, ध्यान से देखें। मैंने सपोज करो एक बॉडी ले ली, सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। मैंने मान लिया एक पॉइंट यहाँ पर मास रखा है 2 kg का, और यहाँ पर मैंने रखा है 5 kg का। कितने का? 5 kg का, ठीक है। इसकी कोऑर्डिनेट है 3, 0, इसकी कोऑर्डिनेट है सपोज 10, 0, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। मैंने बोला भाई इसका सेंटर मास निकालिए, मुझे क्या बताना है, इसका सेंटर मास निकालना है, ठीक है। तो सेंटर मास निकालने का तरीका ये है कि मैं क्या करूँ, पहले मैं इसके कोऑर्डिनेट मान लूँ। ये चूँकि एक्स एक्सिस पर है तो ये ओरिजिन हो जाएगा इसका, यहाँ से ये 3 पर डिस्टेंस पर है, ये 10 पर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि x सेंटीमीटर सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास निकाल लूँ। एक्स एक्सिस से बात कर रहा हूँ तो m1x1 प्लस का m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब देखिए, अब m1 ये मैंने मान लिया m1, ये मैंने मान लिया m2, ये मैंने मान लिया x1y1, ये x2y2, ठीक है। अब डालते हैं m1 कितना है बच्चों, 2, x1 कितना है 3, प्लस m2 कितना है 5, x2 कितना है 10 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, यानी 2 प्लस 5 ये हो जाएगा 6, और ये 56 बाई 7 ये 8 आ गया। कितना आया? 8 आया, यानी कि अब मैं y निकाल के देखूं, क्योंकि बॉडी x एक्सिस पर ही है और इसलिए y सेंटर मास निकालना कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं y सेम निकालूंगा अभी तो वो 0 ही आएगा। देख लीजिए आप, m1y1 प्लस m2y2 यानी m1y1 यानी कि 0 ही होगा, इसलिए इसके सेंटर मास करीब आएंगे 8, 0। तो सेंटर मास 8, 0 का मतलब क्या हुआ, यहाँ से सपोज करो 3 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, सपोज ये 10 है, यहाँ पर 10 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ कहीं आएगा, ये सेंटर मास 8, 0 पर आएगा, ठीक है बेटा। कितने पर आएगा? 8, 0। अब देखिए ज़रा, अगर ये 8, 0 पर है, ध्यान से देखें आप लोग, अगर ये मेरा सेंटर मास 8, 0 पर आया, इट इज़ अ सेंटर मास, सेंटर ऑफ मास, यानी कि इन दोनों बॉडी के मासेस का सेंटर मास यहाँ पर है। यानी कि अगर मैं इन दोनों मासेस को ना कैलकुलेट करूँ, मैं सोचूँ कि भाई ये मासेस यहाँ पर, मैं मान सकता हूँ इन दोनों बॉडी का मास यहाँ पर कंसंट्रेट हो रहा है। इधर देखिए अब आप ज़रा, यहाँ देखें, अब मैं बोलूँ तो ये कितनी डिस्टेंस हो गई बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5 हो गई, और ये कितनी रह गई, 1, 2, ये रह गई डिस्टेंस, रह गई 2, ये रह गई 2। तो अब एक चीज़ और देखते हैं कि यहाँ पर 5 kg यानी 5 kg का मास था, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ पर 5 आ रही है, और ये 2 kg का था तो इसकी डिस्टेंस 2 मीटर आ रही है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि हमेशा मास जो होते हैं 2 पार्टिकल सिस्टम में, मासेस और डिस्टेंसेज एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। देखिए 2 kg, 5 kg, तो डिस्टेंस कितनी आई, 5 मीटर, 2 मीटर उल्टी आई, नहीं आई, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इनके सेंटर मास जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और एक चीज़ और याद रखनी है बच्चों, कि जब भी 2 पार्टिकल सिस्टम का मास होगा तो याद कर लेंगे बेटा, उनका सेंटर मास, जब भी 2 पार्टिकल सिस्टम की कोई बॉडी होगी तब उनका सेंटर मास हमेशा उन दोनों मासेस की लाइन ज्वाइनिंग के बीच में होगा, उन दोनों मासेस की लाइन ज्वाइनिंग के बीच में होगा। देखिए मैं इसका अगले एग्जांपल से बताता हूँ ऐसा क्यों। देखिए आप आराम से कॉपी कर लेंगे आप, ठीक है। अब देखें आप नेक्स्ट क्वेश्चन, देखें कि ऐसा क्यों होता है कि 2 मासेस
का सेंटर मास, दो मास बॉडी का सेंटर मास उनकी लाइन ज्वाइनिंग के बीच में होता है। देखिए मैं दिखाता हूँ, ये भी समझना ज़रूरी है बच्चों। ये सपोज करो मेरे पास एक बॉडी है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 0.9, इसके कोऑर्डिनेट हैं 9.0, ठीक है बच्चों। एक जीरो, ये 0.9 और ये 9.0। सपोज करो बच्चों ये मेरे पास 5 kg का मास है यहाँ पर, या 10 kg का मास है, ठीक है। ये 5 kg का मास है, ये 10 kg का मास है, ये मैंने ओरिजिन मान लिया। तो मैंने बोला कि इनका सेंटर मास कहाँ होगा, तो ये तय है क्योंकि दो मास की बॉडी है, ये दो मास की बॉडी है, इसलिए इसका सेंटर मास हो ना हो कहीं ना कहीं बीच में होगा। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि क्योंकि यहाँ मास ज़्यादा है इसलिए सेंटर मास इधर को शिफ्ट करेगा, जिधर को बॉडी का मास ज़्यादा होगा उधर ही को सेंटर मास शिफ्ट करता है। तो मैंने मान लिया, अब इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने मान लिया ये M1, ये M2, ये X1, Y1, ये X2, Y2। देखें आप ज़रा ध्यान से, मैंने निकाला XCM, मैं सेंटर मास के क्वाड्रेंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। M1 X1 प्लस का M2 X2 अपॉन M1 प्लस M2, ये होगा बच्चों M1। M1 है यहाँ पर मेरा 5, X1 है 0, प्लस M2 है 10, X2 है मेरा 9, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, 10 प्लस 5 15, ठीक है बच्चों। ये 0 हो गया, ये आ गया 9, ये आ जाएगा 90 डिवाइड बाय 15, ठीक है। ये 6 जा, तो 6 आ गया XCM। अब YCM निकाल के देखते हैं, YCM क्या आएगा देखिए ज़रा। YCM निकालें तो M1 Y1 प्लस का M2 Y2 अपॉन M1 प्लस का M2, ठीक है। M1 Y1 कितना होगा, M1 है मेरा 5, Y1 है मेरा 9, प्लस M2 है 10 और Y2 है मेरा 0, डिवाइडेड बाई 5 प्लस 10 15, ये हो जाएगा 45 प्लस 0 डिवाइड बाई 15, 15 थ्री जा 45। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ऐसे कोऑर्डिनेट ढूंढूं जहाँ पर x 6 हो और y 3 हो। तो x पर 6 तो कहीं यहाँ हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 1 2 3 4 5 6, यहाँ हुआ 6 और 3, मैंने मान लिया 3 1 2 3 यहाँ होगा, तो 6 यहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6 और 3 यहाँ होगा। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ये इसका सेंटर मास होगा, ये इसका सेंटर मास, मैंने मान लिया 6 ये है, तो ये सेंटर मास होगा। इसे बोलेंगे 6 कॉमा, एक्स पर 6 है, वाई पर 3 है, एक्स कॉमा, यानी कि इसका सेंटर मास यहाँ होगा, इसे बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। ये है सेंटर मास सी। अब और देखें आप ज़रा, मैंने बोला कि ये हम इन दोनों की लाइन ज्वाइनिंग के बीच में, इसको हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये सेंटर मास इन दोनों पार्टिकल के बीच में ही होगा। देखिए अगर मैं इस बॉडी का यानी कि ए मान लूँ, इसे बी मान लूँ, इसे बी मान लूँ और इसे सी मान लूँ सपोज, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास है, COM है, ये सी मान लूँ, तो मैं अगर ए बी का यानी स्लोप ऑफ ए बी अगर स्लोप ऑफ बी सी आ जाए, स्लोप ऑफ बी सी आ जाए, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो होगा तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे, दोनों का स्लोप बराबर हो जाए, तो मैं बोल सकता हूँ ये तीनों पॉइंट जो होंगे कोलिनियर हो जाएंगे। इससे ये प्रूफ हो सकता है कि नहीं भाई, इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के बीच में ही होगा। तो देखें आप, स्लोप ऑफ ए बी फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, इसका भी ऐसे ही हो जाएगा। तो इसका ए बी का स्लोप देखें, स्लोप ऑफ ए बी जो आएगा, इसी तरह इसका निकालेंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1। देखें आप, ए बी मेरी ये बॉडी है देखिए, तो y2 - x1 - y1 x2 y2 मान लिया, y2 - y1 3 - 9 अपॉन x2 - x1 6 - 0 इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ बी सी देखें, y2 - y1 y2 - y1 0 - 3 अपॉन x2 - x1 9 - 6, ये कितना आया बच्चों, -6 डिवाइड बाई 6 - 1, ये कितना आया -3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -1, क्या स्लोप बराबर आ गए। इससे ये प्रूफ होता है कि हमेशा याद रखना है बच्चों कि अगर दो पार्टिकल सिस्टम की कोई बॉडी है तो उसका सेंटर मास हमेशा उन दोनों पॉइंट के मासेस के लाइन ज्वाइनिंग के बीच में होगा, ठीक है बेटा। तो इससे प्रूफ होता है। और देखें आप क्वेश्चन, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखें आप लोग, इसे आप कॉपी कर लें और देखें। हाँ तो बच्चों ये मेरा
एक पहला क्लास था 11th क्लास के लिए। और बच्चों अगर आपको और नए नए वीडियोस देखने हैं, आपको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हैं वो मुझे कमेंट करें, और उससे क्या होगा मैं आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा। आप मेरे गाने बहुत सुनते रहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब बच्चों को पढ़ाया भी जाए, क्योंकि मेरा मेन प्रोफेशन जो है वो केवल टीचिंग है, वो मैं शौकिया गाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ बच्चों आपको नई से नई वीडियो, नए से नए न्यूमेरिकल्स, नए से नए कॉन्सेप्ट इन फ्यूचर देता रहूँ। इसलिए आप मेरी अगली वीडियो देखना चाहते हैं, इसलिए आप कोशिश ये करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।